हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन 2020 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम स्टेप टू स्टेप देखने वाले हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं एसएससी के ऑफिशियल साइट पे और अपना फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं एग्जाम स्टॉक्स के एसएससी सीपीओ वाले पोस्ट पे, इसे हम स्क्रॉल करके पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी कितनी है। इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं। दोस्तों, टोटल हमारी टेंटेटिव वैकेंसी है 1703 और आपको बता दें ये वैकेंसी आगे इंक्रीज भी हो सकती है। हमारा नोटिफिकेशन दोस्तों 17 जून को रिलीज हुआ, ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 17 जून से ही, ठीक है। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों 16 जुलाई तक ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट रहेगा, ठीक है। 16 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टीयर वन एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों तो 28 सितंबर से 5 अक्टूबर 2020 तक हमारा एग्जाम होगा, ठीक है। और दोस्तों पेपर टू की बात करें तो वो हमारा 1 मार्च 2021 को होगा, ठीक है। और बीच में कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे कि पीईटी और पीएसटी, जैसे उस पर कोई अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप अपना फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, यहाँ ऑफिशियल साइट का लिंक है, उस पर हम लोग क्लिक करके डायरेक्ट ऑफिशियल साइट को विजिट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं एसएससी के ऑफिशियल साइट पे, ssc.nic.in। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है, इसे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको क्या करना होगा दोस्तों, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको डायरेक्ट यहां लॉगिन करना होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप फ्रेश यूजर हैं तो क्या करना होगा। तो आपको यहां न्यू यूजर दिख रहा होगा दोस्तों, न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। चलिए उस पर क्लिक करते हैं हम लोग। तो दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जिसमें आपको बेसिक डिटेल पहले फिल करना होगा, ठीक है। पहले आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार, यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो पे क्लिक कीजिए। चलिए यस पे क्लिक करके आपको अपना आधार कार्ड इंटर कर लेना है, उसके बाद दोस्तों वही आधार कार्ड आपको वेरीफाई कर लेना है। और दोस्तों टाइप ऑफ आईडी, यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहता तो आप टाइप ऑफ आईडी पे क्लिक करते तो आप दूसरा आईडी वहां पे दे सकते थे वेरिफिकेशन के लिए, उसका आईडी नंबर दे सकते थे। अब नेक्स्ट में टू का ए में आपको नाम इंटर करना है, आपका जो नाम है दोस्तों वो यहां पे आपको इंटर करना है, और मेक श्योर हो जाइए कि आपका नाम जो होना चाहिए वो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम नाम इंटर करते हैं। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपको नाम के पीछे या फिर नाम के पहले आपको श्री श्रीमती मिस्टर मिसेज कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको नाम और अपना टाइटल यहां पे सबमिट करना है। उसके बाद आपको दोस्तों अपना नाम वेरीफाई करना है, और यहां दोस्तों पूछा जा रहा हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने अपना नाम चेंज किया है या आधार कार्ड में आपका दूसरा नाम है और नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पे यस पे क्लिक करके और नया नाम यहां पे इंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना फादर नेम इंटर करना है, उसमें भी आपको श्री नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको नाम इंटर और टाइटल इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नाम को वेरीफाई करना होगा 3 का B में, तो वहां पे आप फादर नेम को वेरीफाई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको मदर नेम यहां पे इंटर करना होगा दोस्तों, ठीक है। मदर नेम, फादर नेम और अपना नाम, ये सब अच्छे से आप सर्टिफिकेट में देख के फिल कीजिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मदर नेम को भी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट है आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अच्छे से इंटर कीजिए, आप मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में देख के डेट ऑफ बर्थ को इंटर कीजिएगा, ठीक है। सामने आप रख लीजिए मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद ही सारा डिटेल आप फिल कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो होता है दोस्तों एक ही बार होता है, देखिएगा गलत ना हो जाए, इसलिए आप अच्छे से देखिए और वेरीफाई कीजिए। यहाँ पे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को आपको वेरीफाई करना होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको मैट्रिकुलेशन का कुछ डिटेल फिल करना होगा, जैसे आपका एजुकेशनल बोर्ड, आपका एजुकेशनल बोर्ड क्या है दोस्तों, यहां पे आप इंटर कीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहां पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इंटर कर देता हूं, उसके बाद वेरीफाई करना होगा दोस्तों, तो वेरीफाई इसको कर लेते हैं। फिर आपको रोल नंबर, यानी आपका मैट्रिकुलेशन में रोल नंबर क्या था दोस्तों, उसको यहां पे आप अच्छे से फिल कीजिए, उसके बाद उसको वेरीफाई कर लीजिए दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस वर्ष मैट्रिकुलेशन पास किया है उसको यहां पे इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, उसके बाद वेरीफाई जेंडर करना होगा। उसके बाद दोस्तों लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी दोस्तों हायर एजुकेशन आपका क्या है अभी, वो करेंट में आपको यहां पे इंटर करना होगा। अगर ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर यहां पे आपको इंटर करना होगा दोस्तों, मोबाइल नंबर अच्छे से चेक करके दीजिए, क्योंकि उस पर दोस्तों वेरिफिकेशन कोड आने वाला है, ठीक है। और आपको ईमेल आईडी भी अच्छे से देना होगा, तो चलिए हम दोनों इंटर कर लेते हैं।
नेक्स्ट में दोस्तों आपको अपना स्टेट चूज करना होगा। स्टेट यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए अपना। उसके बाद दोस्तों आपको सेव पे क्लिक कर देना है। चलिए हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि आप कंफर्म करने से पहले मेक श्योर हो जाइए कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है, क्योंकि उस पे ओटीपी जाने वाला है मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे। तो एक बार कंफर्म हो जाइए। अगर आपको लगता है गलत है तो आप कैंसिल पे क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरा सही है तो यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है, जो कि 14 दिन तक वैलिड रहेगा, ठीक है। चलिए अब ओके पे हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद आपको होम पेज पे आना है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे यूजर नेम में आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्या होना चाहिए, आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज गया होगा दोस्तों जिसमें आपका पासवर्ड दिया रहेगा 1827 यहाँ पे, तो हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहां पे दोस्तों आपको कैप्चा फिल करना होगा, तो कैप्चा अच्छे से इसको फिल कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको नया पासवर्ड यहां पे जनरेट करना होगा, तो पहले ओल्ड पासवर्ड यहां पे आप एंटर कीजिए दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर होना चाहिए दोस्तों, एटलीस्ट वन नंबर होना चाहिए जैसे 1, 2, 3, 4, और वन स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और 8 करेक्टर से ऊपर का पासवर्ड आपको बनाना है। तो चलिए मैं इंटर कर देता हूँ, अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं अपना न्यू पासवर्ड। और उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं सबमिट बटन पे इसको क्लिक कर देता हूँ। योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है नए पासवर्ड के साथ। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस फिर से खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको मैच कर लेना है और स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल, यानी अब आपको कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे देना है अपना। पहले आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए उसको। नेशनलिटी, तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मार्क, आपके फेस पे या हैंड पे कहीं भी कोई आइडेंटिटी मार्क है तो आप वहां पे इंटर कीजिए दोस्तों, अच्छे से इंटर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट आपको अगर कोई डिजिबिलिटी हो तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, बाकी आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 15 का ए में आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस, आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आप इंटर कीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज कीजिए दोस्तों। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए अपना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद पिन कोड दोस्तों, पिन कोड इंटर कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है आपका अगर प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से मैच करता है तो यस पे क्लिक कर दीजिए। और बाकी आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद नेक्स्ट या फिर सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना फोटो और अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे से फाइल को सेव कर लीजिएगा दोस्तों। पहला जो है आपका साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच फोटो के लिए, ठीक है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG चलेगा दोस्तों। और इमेज का साइज का बात करें तो 3.5 cm × 4.5 cm उसका हाइट होना चाहिए दोस्तों। सिग्नेचर की बात करें तो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट होना चाहिए उसका। इमेज साइज 4.0 cm उसका विड्थ होना चाहिए और 2.0 cm उसका हाइट होना चाहिए। आपको ये अपलोड करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना है। तो दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद उसे ड्राफ्ट में आपको सेव कर लेना है। उसके बाद टेक ए ड्राफ्ट प्रिंट, आपको एक प्रिंट निकाल लेना है ताकि उसमें आप चेक कर सको कि कुछ गलत तो नहीं। अगर गलत होता है तो फिर से आप प्रीवियस करके एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों याद रहे फाइनल सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए पहले चेक कर लीजिए कि कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इसे फाइनल सबमिट कर देता हूं। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस खुल के सामने आएगा जिसमें जो भी अभी लेटेस्ट आपका रिक्रूटमेंट चल रहा है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस यहां पे आपको दिखेगा कुछ डिटेल के साथ, जैसे लास्ट डेट कौन सा है, इसका पेमेंट कैसे कब तक करना है दोस्तों आपको, ठीक है। सारा कुछ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई लिंक है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और आपको अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या क्या कुछ डिटेल डालना होगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सभी कुछ आप वेरीफाई कर लीजिए केयरफुली, उसका स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा रहा है डू यू बिलोंग टू कास्ट ऑफ इंक्लूड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी।
तो दोस्तों अगर आप ओबीसी है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो पे क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी आप अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं पहले से काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, बाकी आप नो कीजिए, उसके बाद स्क्रॉल कीजिए। अगर आपके पास दोस्तों एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिए, उसका स्क्रॉल कीजिए। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल देना होगा, कंफर्म करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे दे सकते हैं, बाकी यहाँ आपको उसके बाद सेंटर प्रिफरेंस यहाँ पे चूज करना होगा। दोस्तों तीन प्रिफरेंस आता है, आप तीनों को चूज कर लीजिए, आप कौन सा सेंटर पे एग्जाम देना चाहते हैं। दोस्तों सेंटर प्रेफरेंस चूज करने के बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों 20वें पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको चाहिए तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो अभी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आप लिस्ट में देख के अपना यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको इंटर करना होगा, तो सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपका क्वालिफिकेशन है अभी, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ग्रेजुएशन सिलेक्ट करते हैं ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है या फिर अपेयरिंग है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें जो लोग अपेयरिंग कर रहे हैं यानी पार्ट थर्ड में एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बाकी अगर आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको यस क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो 1 जनवरी 2021 से पहले क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए इलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड, रोल नंबर, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं ग्रेजुएशन तो। और दोस्तों नेक्स्ट 24 नंबर में आप डाटा डीओपीटी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, बाकी स्क्रॉल करके अपना मैच कर लीजिए, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ सही है, फोटो मैच कर लीजिए, सिग्नेचर मैच कर लीजिए, उसके बाद आप स्क्रॉल करके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा, कैप्चा आपके सामने, इसे अच्छे से फिल कर दीजिए। तो दोस्तों सब कुछ करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, चलिए मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पूरा डाटा निकल के सामने आ जाएगा कि आप मैच कर लीजिए आपने जो डाटा फिल किया वो सेम है या फिर नहीं है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, उसके बाद फाइनल सबमिट यहाँ पे आएगा, उसको क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत आपने इंटर कर दिया है तो एडिट और मॉडिफाई पे क्लिक करके उसको आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं फाइनल सबमिट इसको कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, तो केयरफुल होके आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। दोस्तों कुछ गलत लगता है, कुछ डाउट लगता है तो आप एडिट और मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे ओके क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको यस पे क्लिक करना है और अपना पेमेंट यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो पेमेंट आपको 100 रुपए करना होगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ऑफलाइन के लिए चालान बनाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ डेबिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। तो उसका पेमेंट आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने बहुत सारे गेटवे खुल के सामने आएंगे, पेमेंट गेटवे, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से या फिर अदर डेबिट कार्ड से, तो आप स्क्रॉल करके यहाँ पे देख लीजिएगा एसबीआई डेबिट कार्ड। तो मैं यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यूपीआई के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों मैंने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद आपको 180 सेकंड तक वेट करना होगा या फिर आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके रिटर्न टू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आप पोर्टल पे जा सकते हैं, वहां पे आप अपना प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों मैंने पेमेंट कर दिया एसएससी के लिए और यहाँ पे आपका स्टेटस जो है वो पेंडिंग लिख रहा है, तो उससे घबराना नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी, वो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ, आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने फाइनली सारा स्टेप कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस पे आप एक बार फिर से लॉगिन करके आएंगे तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं, पेमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके, और अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ डबल वेरिफिकेशन फॉर पेमेंट, पेमेंट का डबल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है फॉर्म फिलअप करने में तो आप कॉमेंट कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।